यहां पर बैरकपुर के अलावा बनगांव और राणाघाट सहित दूसरे क्षेत्रों से भी आए हुए आप सबको मेरा नमस्कार। और यहां आने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए हृदयपूर्वक मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आज बैरकपुर की इन तस्वीरों को देखकर कुछ लोगों की हालत और पस्त होने वाली है।
हेलीपैड से यहां आया, दोनों तरफ जो प्यार और उमंग था वो अद्भुत था। और यहां मैं देख रहा हूं, ऐसा लग रहा है पश्चिम बंगाल में यहां की जनता में कॉम्पिटिशन चल रही है, एक स्पर्धा चल रही है। पहली रैली के बाद दूसरी रैली बड़ी होती है, दूसरी रैली के बाद तीसरी रैली बड़ी होती है, तीसरी रैली के बाद चौथी रैली बड़ी होती है, एक के बाद एक के बाद एक। और जैसे जैसे आपका उत्साह बढ़ता जाता है, दिल्ली का दिमाग फटता जाता है। पश्चिम बंगाल का ये प्यार, आपका ये सत्कार मैं अपने सिर माथे पर लेता हूं। भाइयों और बहनों, ये धरती राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जन्मभूमि है। और 1857 के स्वाधीनता संग्राम के नायक मंगल पांडे की भी कर्मभूमि है। भारत के राष्ट्रवाद की इस प्रेरणा स्थली का मैं शत शत वंदन करता हूं। इन्हीं सभी महापुरुषों ने, महान बलिदानियों की प्रेरणा से ही भारत दुनिया की अहम शक्ति बन पाया है। साथियों, जिस राष्ट्रभक्ति को इस धरती ने शक्ति दी है, उसी राष्ट्रभक्ति को आज देश में गाली देने की एक विकृत मानसिकता, एक सनक दिख रही है। वंदे मातरम, मां माटी मानोस, इसका यशोगान है। लेकिन उसी वंदे मातरम को काट दिया गया, तोड़ा मरोड़ा गया और अब दफना दिए जाने की निर्लज्ज कोशिश भी हो रही है। अपनी वोट भक्ति के लिए जो लोग राष्ट्रभक्ति की भावना को नकारने लगे, वंदे मातरम और भारत मां की जय के से पहले 100 बार सोचने लगे, ऐसे लोगों से बंगाल के लोगों को सावधान रहना है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की परंपरा को, यहां की माटी की खुशबू को अपने में संजोए हुए है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्रवाद की प्रेरणा से ही हम काम कर रहे हैं। ये भी भारतीय जनता पार्टी है जिसके कार्यक्रमों में वंदे मातरम, ये हमारा जीवन मंत्र है, हमारा प्रेरणा मंत्र है। तुम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल बिहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, ये मंत्र
सार्वजनिक रूप से गाने की हिम्मत, सार्वजनिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ही इसका गान करती है। साथियों, वोट बैंक की और वंशवाद की ही जय जयकार करने वाली मानसिकता रही है, जिसकी वजह से इतने वर्षों तक आजादी के नायकों को भुला दिया गया। अब भाजपा एनडीए की सरकार वंशवाद की छाया से हमारे वीर वीरांगनाओं को बाहर निकालने का काम कर रही है। बीते 5.5 वर्षों में देश की आजादी और देश के नवनिर्माण में भूमिका निभाने वाले हर महान व्यक्तित्व का सम्मान बढ़ाने का प्रयास किया गया है। भारत माता की ये मैदान छोटा पड़ गया है, आप आगे आने की कोशिश मत कीजिए। आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, आपको सुनाई तो देता है ना। आप इतना प्यार कर रहे हो पश्चिम बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, आपका ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा और विकास करके लौटाऊंगा, आपका एक साथी बनकर के लौटाऊंगा। भाइयों बहनों, मेरे लिए वो पल अविस्मरणीय है जब आजाद हिंद फौज सरकार के 75 वर्ष पूरे होने पर लाल किले पर तिरंगा फहराने का सौभाग्य मिला था। नेताजी और आजाद हिंद फौज का योगदान भावी पीढ़ी तक पहुंचे, इसके लिए अब लाल किले में ही नेताजी सुभाष बाबू की यादों को समाहित किया हुआ एक क्रांति मंदिर का भी निर्माण किया गया। मैं बंगाल के हर स्कूल कॉलेज से आग्रह करूंगा कि आप अपने स्कूल कॉलेज से टूर ले जाते हैं, दिल्ली जब जाएं तो नेताजी सुभाष बाबू के पराक्रम गाथा वाला एक क्रांति मंदिर जरूर देखिए। नेताजी के नाम से हमने एक राष्ट्रीय पुरस्कार का ऐलान किया और अभी मैं अंडमान निकोबार गया था, वहां के एक द्वीप का नामकरण भी हमारी सौभाग्य को मिला है और हमने नेताजी का नाम उसके साथ जोड़ दिया है। साथियों, नेताजी के साथ साथ आजाद हिंद फौज के दूसरे नायकों को भी हमारी सरकार ने सम्मान दिया। इसी वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड हुई तो ऐसे महान व्यक्तित्व भी उसमें शामिल हुए जिनको जीप में बिठाकर, उनको देख करके
देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आजादी के बाद इतिहास में पहली बार आजाद हिंद फौज के सेनानी गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा बने। हम सभी का सौभाग्य था कि उम्र के इस पड़ाव में भी ये सभी महापुरुष हमें आशीर्वाद देने आए। साथियों, इससे पहले भी दशकों तक मान लिया भैया मान लिया, साथियों इससे पहले भी दशकों तक हर साल गणतंत्र दिवस मनाया गया, परेड होती रही, लेकिन आजाद हिंद फौज के उन वीरों को याद करने की सूद किसी ने नहीं ली। क्या इन लोगों ने अंग्रेजों की गोलियां नहीं खाई थी? क्या इन्होंने अत्याचार नहीं सहे थे, जेल नहीं गए थे? लेकिन परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति करने वालों ने इनके त्याग, इनके बलिदान को भुला दिया। आज यही दल हमारे सपूतों के शौर्य पर भी सवाल उठाते हैं। जब हमारे वीर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, एयर स्ट्राइक करते हैं, तो ये पाकिस्तान की बातों पे भरोसा करते हैं। जब हमारे वीर आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं, तो इतने सबूत होने के बावजूद भी इन्होंने ऐसे चश्मे पहने हैं, इनको सबूत दिखाई नहीं देते हैं। जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंक के सरपरस्तों की झूठी खबरों को यहां बढ़ावा देते हैं, उन पर देश भरोसा कर सकता है क्या? भरोसा कर सकता है क्या? जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का खुला समर्थन करते हो, कहते हो कि उनका बंदूक उठाना गलत नहीं है, उन पर देश भरोसा कर सकता है क्या? कभी भी भरोसा कर सकता है क्या? ऐसे लोगों पे विश्वास किया जा सकता है क्या? जो लोग ये मानते हो कि फौज में लोग दो वक्त की रोटी की मजबूरी में भर्ती होते हैं, जो लोग हमारे वीरों की देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं, उन पर देश भरोसा कर सकता है क्या? कभी भी भरोसा कर सकता है क्या? निंद में भी भरोसा कर सकता है क्या? मुसीबत में भी भरोसा कर सकता है क्या? भाई और बहनों, पाकिस्तान का गुणगान करने वाली इस मंडली की एक सदस्य ये बंगाल की ममता दीदी भी है। जब पूरी दुनिया पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर रही थी, तो ये मंडली और ये दीदी मोदी के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रही थी। ऐसी दीदी को माफ करोगे क्या? माफ करोगे क्या? भाइयों और बहनों, अंग्रेजों की तरह दीदी भी बात करो, शासन करो, इसी नीति पर चल रही है। जबकि हमारी नीति है
एक करो सेवा करो यानी सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका साथ। आपके इस चौकीदार ने देश के हर व्यक्ति हर हिस्से को विकास से जोड़ने की कोशिश की है। पश्चिम बंगाल सहित पूरे पूर्वी भारत को भारत के विकास का इंजन बनाने के लिए काम किया है, लेकिन स्पीड ब्रेकर दीदी ने तो जैसे कसम खा रखी है कि बंगाल आगे न बढ़े, यहां के लोग आगे न बढ़े, आप लोग आगे न बढ़े। साथियों, पहले वाम मोर्चे ने और अब दीदी के दाम और दमन मोर्चा ने जूट की फैक्ट्रियों में ताला लगा दिया है। ट्रेड यूनियनों की गुंडागिरी, सिंडिकेट के वसूली गिरोह ने जूट उद्योग और जूट किसानों को बर्बादी के कगार पर लाकर छोड़ दिया है। लेकिन आपका एक चौकीदार स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहा है। हमने कुछ महीने पहले ही जूट के एमएसपी में बढ़ोतरी की है। साथियों, जब 2014 में हमारी सरकार बनी तो जूट की औसत कीमत प्रति क्विंटल 2000 रुपए की कम थी। अब ये बढ़कर लगभग 2 गुनी तक पहुंच रही है। इस फैसले का लाभ पश्चिम बंगाल के जूट पैदा करने वाले किसानों को भी मिलना तय है। इतना ही नहीं, भाजपा एनडीए सरकार ने ये भी जरूरी कर दिया है कि गेहूं चावल जैसे अनाज की पैकेजिंग जूट के बोरे में ही हो। भाई और बहनों, यहां जो फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर है, मुझे उनकी स्थिति परिस्थिति का पूरी तरह एहसास है। भारत मां की किसी भी संतान, भारत मां पर आस्था रखने वाले किसी भी व्यक्ति को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 23 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। इस समय 23 मई को चित्र साफ हो गया होगा। 23 मई को जब फिर एक बार मोदी सरकार आएगी, तब आपकी, ये ध्यान से सुनिए, आपकी नागरिकता का कानून पूरी शक्ति के साथ संसद में बनाया जाएगा, ताकि आपको सरकार की हर योजना का पूरा लाभ समय पर मिल सके। आपको टीएमसी के जगाई मथाई के बंधनों में ना रहना पड़े, ये इंतजाम आपका ये सेवक करने वाला है। साथियों, मुझे ये भी जानकारी मिली है कि आपको पक्के घर देने में भी यहां की सरकार आनाकानी कर रही है। आप आश्वस्त रहिए, 2022 तक पश्चिम बंगाल के हर गरीब परिवार के पास पक्का घर हो, ये चौकीदार का संकल्प है। इस लोकसभा चुनाव के नतीजे दीदी पर
पर ऐसा दबाव बनाएंगे तो उन्हें मजबूर होकर आपके लिए काम करना पड़ेगा। साथियों, इसी तरह देश के दूसरे हिस्सों की तरह पश्चिम बंगाल के हर किसान के खाते में सीधे पैसे जमा होकर रहेंगे, इसको भी कोई नहीं रोक पाएगा। भाइयों और बहनों, सबको रसोई गैस, सबको बिजली कनेक्शन, सबको शौचालय, हर गरीब परिवार को सस्ता राशन, ये आपका जीवन आसान बनाने के लिए है। ये दिल्ली से ये आपके चौकीदार की सरकार आपके लिए भेजती रहती है, लेकिन यहाँ पर ममता दीदी इन योजनाओं पर अपना स्टिकर लगा देती है। इतना ही नहीं, इन योजनाओं से ही वो अपनी पार्टी के गुंडों के लिए खाने पीने का इंतजाम भी करती है। इस लोकसभा के नतीजे, इस पर भी ब्रेक लगाने का काम करेंगे। भाइयों और बहनों, केंद्र सरकार ने बेटियों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाए हैं। बेटियों की तस्करी से जुड़े कानून में बहुत ही सख्त प्रावधान किए गए हैं, लेकिन यहां की सरकार उसको ठीक से लागू ही नहीं करती। इसी तरह बलात्कार, रेप जैसे जघन्य अपराध के लिए फांसी तक की सजा आपके इस चौकीदार ने की है, लेकिन यहां की सरकार केस दर्ज करने में और उनको अदालत में पहुंचाने के लिए गंभीरता नहीं दिखाती है। अरे दीदी, आप तो एक महिला है, महिला बेटियों पे बलात्कार हो उस केसों को तो जरा आगे बढ़ाओ। इसलिए ऐसी सरकार को सबक सिखाना जरूरी है। याद रखिए, इस बार और एक बात बताता हूं, इस बार चूपे चाप कमल छाप, चूपे चाप बुद्ध से टीएमसी साहब, बुद्ध से चुपे चाप बुद्ध से कमल के फूल पर पड़ा हर वोट। जब आप कमल को दबाओगे ना, कमल के फूल के सामने बटन दबाओगे, तो आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में आएगा। उससे मोदी मजबूत होगा, सरकार मजबूत होगी, भारत मजबूत होगा, आप सब मजबूत होंगे। भाइयों बहनों, आप इतनी बड़ी संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं फिर एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे।
Vande. 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 Vande.